भोपाल नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष सविस्ता जकी ने राजधानी में इस्तेमाल होने वाले पानी टैंकर और उनके द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट में कई अहम खुलासे किए हैं जो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। देखिए, हमारा एक्शन हमेशा हम यही चाहते हैं कि सुधार हो। नगर निगम में अगर कुछ गलत हो रहा है उसका सुधार होना चाहिए। अगर हम वरिष्ठ लोगों को अपनी एप्लीकेशन, अपनी शिकायत देते हैं, उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। अगर हम संज्ञान नहीं लेंगे, वरिष्ठ अधिकारी, मेयर इन काउंसिल अगर इसके ऊपर या अध्यक्ष, कमिश्नर, तो हमारे साथ यही खिलवाड़ होता रहेगा। एक ना एक दिन तो सबको आगे आना ही चाहिए और सभी, चाहे पक्ष वाले हों या विपक्ष वाले, सबको इस मुद्दे के अंदर बिल्कुल आगे रहकर ऐसे गलत अधिकारी, गलत कर्मचारी, गलत सुपरवाइजर जो हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पानी के साथ में, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मेरी कलेक्टर महोदय से, कमिश्नर महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, संबंधित मंत्री महोदय से निवेदन है कि ये भोपाल शहर की जनता के पीने का पानी का मुद्दा है, जो कि मैनेट्स की ये रिपोर्ट कह रही है कि ये दूषित पानी है, हम नहीं पी सकते और ये पानी सभी लोग पी रहे हैं, तो ऐसे सभी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना अनिवार्य है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।